इस मां का सब कुछ लुटिया गया। बीते 3 साल तो जिस बच्चे नूं अपनी छाती दे नाल ला के दिन रात ज्यों रही सी इह मां, अज उह बच्चा इस दुनिया दे विच नहीं। दरअसल घर दे विच खेडदा खेडदा बच्चा घर तों बाहर चला गया अते उस तों बाद उह लापता हो गया। बच्चे दी भाल लगातार कीती जा रही सी पर पूरे पिंड दे विच वी खबर पहुंचाण तों बाद बच्चा नहीं मिलिया। उस तों बाद ही घर दे पिछे बने एक छप्पड़ दे विचों जदों JCB दी मदद दे नाल पानी कढ़िया गया तां उत्थों इस बच्चे की मृतक देह बरामद हुई, जिसनू देखने तो बाद पूरा परिवार ताहा मार के रोया। पिंड वाले इस पूरे परिवार को संभालन दे विच लगे रहे ने। रिश्तेदार भी इस मौके पर इकट्ठे हुए, पर इन्हों का दुख कोई नहीं वंडा सकता। वह बच्चा जो इस घर की जिंद जान सी हुण इस दुनिया दे विच नहीं रहा। इसके पिछे का कारण परिवारिक मैंबरां का यही कहना है कि सरकार की अणगहली है, जो पानी का सही प्रबंध नहीं किया जाता। जेकर निकासी का प्रबंध किया हो जहियां घटनावां ना हो। परिवारिक मैंबरां का कहना सी कि असी उस समय तक अंतिम संस्कार नहीं करांगे जदों तक कि सरकार भरोसा नहीं दवांदी कि इहो जिहे तालाब जिहड़े पिंडां दे विच बने हुए ने उहनां नूं लै के उह पुख्ता इंतजाम करनगे। दस दईए कि इह खबर करनाल तों सामने आ रही है, जिथे माँ बाप का 3 साल का जवाक इस दुनिया दे विच नहीं रहा। खेड़दा खेड़दा वह बाहर चला गया ते कदों पानी दे विच डुब गया किसे नूं भी पता नहीं लगा। पानी की निकासी यहाँ से नदी में हो रही है। जी जी जी। एक रंजी साहब भी गांव के बीच में जोड़ रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए जोड़े। जी। हम इसको इतना संस्कार नहीं करेंगे, इसका इतना ये जोड़ का नहीं होगा कुछ भी। जी जी जी, जी बिल्कुल। हमारी प्रशासन से ही अपील है कि जोड़ यहाँ से बंद होना चाहिए। बिल्कुल। BDPO या DC के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम इसको रोड पे ले जाएंगे, हाईवे पे, हाईवे जाम करेंगे हम। अभी यहाँ जोड़ नहीं, जोड़ की बात नहीं करेंगे, जोड़ यहाँ बंद करेंगे तो हम इसको संस्कार करेंगे नहीं, करेंगे नहीं बिल्कुल भी। जी जी। हम रोड जाम करेंगे। बच्चे की जान ले ली, आप देख सकते हैं किस प्रकार। हम रोड जाम करेंगे अभी, इसको लब हाईवे पे लेके जाएंगे। जी हाँ, ये हमारी अपील है सरकार से भी, ये रोड यहाँ जोड़ नहीं होना चाहिए। जी जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर है जी मेरा नाम। क्या लगते हैं बच्चे के? मैं ताऊ लगता हूँ जिनका। ताऊ लगता हूँ। मेरी जोड़ है जी, इसकी निकासी हमने मान लीजिए नदी के नाले में डाल रखी है। जी। अगर सरकार की तरफ से कोई सी गाइडलाइन आएगी, इसको कहना बंद करने का प्रयास होगा। इसकी 4 दीवारी करवा देंगे बड़ी जल्दी, चाहते हुए हमने पहले सरकार को लटका रखा है, इसके रेस्ट रूम डालकर भेज रखे हैं। जी जी जी। जल्दी जल्दी मान लीजिए इसकी 4 दीवार। जो बच्चा लापता था, FIR उसमें दर्ज की गई थी। FIR दर्ज के बाद आज उन्हें सूचना मिली थी कि गाँव में तालाब में मिल सकता है, तो वहाँ पानी निकलवाया है और उसकी तलाशी ली है, तो उसमें टम करा कर इनके हवाले कर दिया है और उस संस्कार के लिए लेकर। तो क्या लगता है सर, हादसा है ये? ये तालाब में अचानक गिरा होगा बच्चा, कमजोर बच्चा है, 3 साल का छोटा बच्चा है। तो घर के सामने ही खुला पड़ा गंदे पानी का तालाब है, तो गांव के लोगों में गुस्सा है कि इसको बंद किया जाना चाहिए प्रशासन से? ऐसा है, प्रशासन को लिखेंगे, पुलिस की तरफ से भी? पुलिस की तरफ से भी लिखेंगे, इसको या तो कुछ जाल वगैरह की व्यवस्था हो या इसकी कोई 4 दीवारी हो या कोई इसको भरा जाए, ऐसा लेटर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे। तो कल जब ये लापता हुआ था उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पूरे गांव में? सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सारी रात टीम गांव में यहां रही है और गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं जाने दिया गया है, तो उनको अच्छे से चेक भी किया गया जो बाहर गए हैं। CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई थी? खंगाली गई है, लेकिन बाहर जाना नहीं मालूम पाया, तो तक तालाब भी जाता था, तो तालाब का पानी निकलवा के इसकी